हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था और अब हमें इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समथिंग टू नो फिल इन द ब्लैंक से। तो यहाँ पर पहले मैंने आंसर साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश रिप्रोडक्शन। तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके जीन्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, मतलब जैसे उसका पेरेंट है सेम वैसे ही जीन्स होंगे, वो कौन से रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं? तो वो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका रीज़न क्या है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, तो ऑफकोर्स जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी सिर्फ उसी के जीन्स होंगे, जो उसका मतलब जो उसके पेरेंट है उसी के जीन होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो वो दोनों के जीन्स उस ऑफस्प्रिंग में होते हैं, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, सेकंड, डैश आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स पार्ट्स लेते हैं, दैट स्पेशल नेम हम उन्हें देते हैं सेक्स सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। तो सेकंड का हमारा आंसर हो गया गैमेट्स। थर्ड, एन एनिमल दैट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज अ डैश एनिमल। तो एक ऐसा एनिमल जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। दैट इज़ नोन एज हर्मोफ्रोडाइट, ये टर्म हमने चैप्टर के बीच में पढ़ी थी। नेक्स्ट, अ फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज द डैश। तो एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको हम जायगोट भी कहते हैं, ठीक है। जायगोट क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो फीमेल एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और उस फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जायगोट कहते हैं। एंड लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर अ हेंस एग इज डैश। तो भाई हेंस एग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही, वो होता है 21 डेज, ठीक है। 21 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ हेंस एग, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हुए, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट है हाइड्रा। तो हाइड्रा को हम यहाँ पे देखो किससे मैच कर सकते हैं, मोस्ट मतलब सबसे अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी है। हाइड्रा हर्मोफ्रोडाइट नहीं होता, कैल्साइट से कोई रिलेशन नहीं है, बडिंग से रिलेशन है, क्योंकि जो हाइड्रा है वो बडिंग शो करता है। सो हाइड्रा को हम बडिंग से जोड़ देंगे। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, ये बात याद रखना, वो सारे ओवीपेरस होते हैं, मतलब वो सारे एग्स ले करते हैं। अर्थवॉर्म एक हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। गिल्स टैडपोल के पास होते हैं, एंड एक्सेल इज मेड ऑफ कैल्साइट, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, काफ़ी ईजी मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज द। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना भाई, जो साइट होती है ना फर्टिलाइजेशन की, मतलब जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, उसका आंसर होता है आपका ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट होती है वो जगह जहाँ पे स्पर्म और ओवम आपका फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, वो जगह तो होती है ओविडक्ट। लेकिन जहाँ पे एम्ब्रियो एम्बेड होता है वो होता है यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस में जाके एम्बेड होता है, लेकिन फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट में। तो इसका आंसर होगा आपका ओविडक्ट। नेक्स्ट, द रीजंस व्हाई पैरट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ अ मंकी मैन कैट इज दैट। मतलब जो पैरट है वो एक अलग ग्रुप, वो बर्ड्स के ग्रुप में आता है ना, मंकी मैन कैट ये सब मैमल्स होते हैं। तो क्या डिफरेंस है पैरट में और हम सब में, कि जो पैरट होता है वो बेसिकली ओवीपेरस एनिमल्स होता है, ओवीपेरस बर्ड होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो एग ले करती है, जबकि बाकी मंकी मैन और कैट जो होते हैं ये विवीपेरस होते हैं, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज प्लाज्मोडियम अमीबा यीस्ट स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता, प्लाज्मोडियम में नहीं होता, इसका राइट आंसर है यीस्ट जो होता है उसमें बडिंग होती है, ठीक है। बाकी सब में कुछ और होता है, अमीबा में फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो बाकी किसी में नहीं होता, बस यीस्ट में बडिंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन, अ कैटरपिलर डेवलप्स इनटू अ सिल्क मॉथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिसिस, ये भी पढ़ा था। मेटामॉर्फिसिस क्या होता है, जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो नए नए फीचर्स नए नए हैबिट्स में चेंज लाता है,
और ये पूरा प्रोसेस मेटामॉर्फिसिस होता है। तो एग से फ्रॉग का, टैडपोल से फ्रॉग का बनना, या कैटरपिलर से बटरफ्लाई का, या सिल्क मॉथ का बनना, ये सब मेटामॉर्फिसिस होता है। फिफ्थ, अ फीटस कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। फीटस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखना कन्फ्यूज में तो ना, सबसे पहले होता है, सबसे पहले जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट अच्छे से डेवलप होके, डेवलप नहीं मतलब डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है, और फिर एम्ब्रियो जब अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वो फीटस बनता है। तो फीटस को हम बोल सकते हैं अ फर्टिलाइज्ड एग नहीं, अ डेवलपिंग एम्ब्रियो भी नहीं, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग तो बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर है आपका ये वाला, अ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। जब एक एम्ब्रियो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स हमें दिखने लग जाते हैं हाथ पैर, तो वो होता है एक फीटस, राइट। नेक्स्ट डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जब और सेक्सुअल में दो होते हैं, उसका आगे पढ़ते हैं, चलो पहले एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल में और क्या होता है, एक तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, बाकी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल, अगर आप साइंटिफिक टर्म में बोलना चाहो तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, या फिर जो यंग वंस होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की। और यहाँ पे फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, मतलब यहाँ पे ना कोई गैमेट बनता है और बनते ही नहीं है, तो फ्यूज तो होंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यंग वंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उसमें दोनों पेरेंट्स की, मेल की फीमेल की, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और यहाँ पे फॉर्म भी होते हैं गैमेट्स और फ्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से ही जायगोट बनता है और फिर आगे डेवलप होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो हाइड्रा जो होता है, अभी हमने ऊपर मैच द फॉलोइंग में पढ़ा था, हाइड्रा जो होता है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट की बॉडी से अटैच रहता है और एक बर्ड के मतलब एक बर्ड की फॉर्म में वो ग्रो करता है। जैसे एक पेरेंट हाइड्रा है, उसकी कहीं भी उसकी किसी बॉडी पार्ट से एक बर्ड निकला, अब वो बर्ड वहाँ हाइड्रा की बॉडी पे रहते रहते ही डेवलप करेगा। अब जैसे ही वो सफिशियंट अमाउंट में बड़ा हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना देगा। मतलब पहले छोटा था, अपने पेरेंट के साथ रहा, जैसे ही बड़ा हुआ एक एप्रोप्रिएट टाइम पे उसने वो उनसे सेपरेट हो गया, हाइड्रा से वो सेपरेट हो गया, पेरेंट हाइड्रा से अलग हो गया, ठीक है। जल्दी से देख लो एक बार और, क्या कह रहे हैं, हाइड्रेट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट, वो पेरेंट हाइड्रा से चिपका रहता है, बर्ड की फॉर्म में ग्रो करता है, और जैसे ही एक एप्रोप्रिएट टाइम बाद जैसे ही वो ग्रो कर जाता है तो एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन अ हेन डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ फ्रॉग। एक हेन में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट होती है, क्या रीज़न होता है? देखो, जो हेन होता है उसके और फ्रॉग के पैटर्न में ही काफ़ी डिफरेंस होता है। हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, जबकि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन की साइट है ना, उसी में ही डिफरेंस होता है। हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो हेन की बॉडी के अंदर होती है, जबकि फ्रॉग्स में हेन की बॉडी फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होती है, बॉडी से बाहर होती है, ठीक है, पानी में होती है। सो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन दोनों ही केसेस में सिमिलैरिटी है वो पूछी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो एट लास्ट कि दोनों में ही डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होता है, दोनों को ही एग की फॉर्म में बाहर डेवलप होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन सा डिफरेंस आ सकता है। ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं और फिर वो एग्स एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं और वो एग फिर एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल हो गया इसका हेन। जबकि विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और वो फिर मतलब यंग वंस की फॉर्म में ही मदर की बॉडी से बाहर आते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो सारा मदर की बॉडी के अंदर होता है।
एग्जाम्पल हो गए इसके मैमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, ये सब मैमल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज़ द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग्स एट अ टाइम मच हायर देन दोज लेड बाय हेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा आप कह सकते हैं क्वेश्चन, कि जो फ्रॉग है वो बहुत सारे एग्स देता है एक बार में, ठीक है, मतलब 100-150 एग्स देता है एक बार में, जबकि जो हेन है वो एक बार में एक ही एग देती है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है। तो देखो, जो फ्रॉग है ना उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि भाई आपने एक जगह पे फीमेल फ्रॉग ने एग्स छोड़ दिए, दूसरी जगह मेल फ्रॉग ने क्या कहते हैं मेल गैमेट्स छोड़ दिए, तब इनके फ्यूज़ होने के जो चांसेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं, क्या पता वाटर के बहाव से कहीं और चले जाएँ दोनों, है ना। उसके अलावा अब ज़्यादातर एग्स जो हैं वो किसी और के, मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं थोड़े वो खा लेते हैं उन एग्स को, ज़्यादातर फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते, तो जो चांसेस होते हैं ना फर्टिलाइज होने के वो बहुत कम होते हैं, तो इन चांसेस को बढ़ाने के लिए ही जो फ्रॉग है वो लार्ज अमाउंट में एग्स रिलीज़ करते हैं। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, इन फ्रॉग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इसीलिए क्या होता है फ्यूजन के चांस को बढ़ाने के लिए जो फ्रॉग है वो बहुत सारे एग्स रिलीज़ करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्स होते हैं वो पानी के बहाव के साथ कहीं और चले जाते हैं, और ज़्यादातर जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी उन एग्स को खा जाते हैं। सिक्स्थ, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ जायगोट एंड एन एम्ब्रियो। जायगोट और एम्ब्रियो के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो देखो एम्ब्रियो क्या है, जायगोट का डेवलप्ड फॉर्म है ना, तो इसी टॉपिक मतलब इसी पॉइंट को ध्यान में रखना, डिफरेंशिएट करते हैं। जायगोट क्या है, फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल गैमेट का न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होता है ताकि वो एक सिंगल सेल बना सके, और वही सिंगल सेल हमारा जायगोट होता है। सॉरी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल गैमेट का न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं एक साथ टू फॉर्म अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल बनाने के लिए, और वो सिंगल सेल को हम कहते हैं जायगोट। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में जो जायगोट है वही आगे बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, ठीक है, मल्टीपल डिविजन्स होती हैं जायगोट में, और वो जो एक सिंगल सेल है वो एक क्लस्टर ऑफ सेल बना लेता है। जायगोट का जो वो सिंगल सेल है वो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होके एक क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स बना लेता है, और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है बहुत सारे सेल इकट्ठा जो है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो ये मेजर डिफरेंस है या मेन डिफरेंस है जायगोट और एम्ब्रियो के बीच में, कि भाई जायगोट तो हो गया कि भाई जब मेल और फीमेल गैमेट क्या कहते हैं फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और एम्ब्रियो हो गया कि भाई वो जब जायगोट है वही आगे डिवाइड होके जब डेवलप होता है थोड़ा सा तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इन इट इज़ द मदर हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, हाउ डू देन चिल्ड्रन गेट फीचर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो बेबी होता है वो तो मदर से जन्म लेता है, ठीक है, मदर के बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों के होते हैं, फादर के भी होते हैं मदर के भी होते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो देखो क्या होता है कि जो एग फर्टिलाइज हुआ है वो फीमेल और मेल दोनों के गैमेट्स की वजह से हुआ है, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ है। तो जो न्यूक्लियस बना था जायगोट का उसमें मेल का भी न्यूक्लियस था और फीमेल का भी न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस होने का मतलब हो गया उसमें मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे और फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अब चाइल्ड के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसी वजह से हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, मेजर तो ये हो गया ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जायगोट बना था और डेवलप हुआ था वो कैसे बना था, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों की गैमेट्स की वजह से, और अब दोनों की गैमेट्स की वजह से बना था। जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस किसका, जायगोट का, जो सिंगल सेल था उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के, मदर के भी और फादर के भी, मदर के भी थे और फादर के भी थे उसके न्यूक्लियस में, तो इसीलिए जब वो डेवलप हुआ तो उसमें भी मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए। इसी के साथ हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक पूरा कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे।